और आइए अब आपको बताते हैं बिहार चुनाव का अपडेट। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्यास फेंके गए हैं। नीतीश कुमार तीसरे दौर की सीटों के लिए मधुबनी में एक रैली कर रहे थे और भाषण के दौरान भीड़ में से कुछ लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ा। नीतीश कुमार पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए, आप समझ सकते हैं ना? समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजदूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए, आप समझ सकते हैं ना? समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो आप देख रहे हैं ये सभा मधुबनी में हो रही थी। नीतीश कुमार बोल रहे थे मंच से, अचानक तभी एक युवक सामने आया और उसने कुछ पत्थर और पता चला है कि शायद प्याज का टुकड़ा वो नीतीश कुमार की तरफ फेंका। वो तो उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे, कोई चोट नहीं पहुंची नीतीश कुमार को, लेकिन ये सुरक्षा में बड़ी चूक थी कि ऐसे सभा में खड़े किसी शख्स ने उनके ऊपर इस किस्म से पत्थर और प्याज फेंका। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा और फेंको, खूब फेंको। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबको पता चल जाएगा कि रोजगार के अवसरों का क्या होगा। उन्होंने एक ही सांस में ये वादा भी कर दिया कि वो अगर दोबारा चुन करके आते हैं तो किसी को बिहार के बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति वहाँ बन गई जब नीतीश कुमार बोल रहे थे और सामने खड़ा एक शख्स कुछ उनके ऊपर फेंक रहा था भीड़ में से। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनके सामने दीवार बनकर खड़े होकर उनको बचाया। इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजदूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग